टेक्नोलॉजी के दौर में हावी होती आधुनिकता लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तमाम अफवाहों के बीच सीतापुर में हुई 5G की शुरुआत के बाद अब लगाए गए टावरों को लेकर विरोध हो रहा है। सीतापुर के तरीनपुर इलाके में लगाए जा रहे 5G टावर के विरोध में लामबंद हुए मोहल्ले वासियों ने जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज व SDM अमित भट्ट से मामले की शिकायत की थी। बावजूद इसके ठेकेदार द्वारा सड़क खोद डाली गई। आरोप है कि टावर को लेकर लगाया गया जनरेटर अधिक आवाज करता है, जिससे आसपास के मकानों में कंपन रहता है, साथ ही लोग सो तक नहीं पाते। अब टावर की सप्लाई के लिए सड़क खोदी गई है, जो कि हादसों का सबब बनी हुई है। आरोप है कि राकेश मिश्रा द्वारा अपने घर पर टावर लगवाया गया है, जो कि अब परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय निवासी सच्चिदानंद विवेक द्विवेदी अब्दुल्ला ने बताया कि टावर की हाई रेडियस सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। वह टावर की आड़ में अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसे प्रशासन को हटवाना चाहिए। आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी की रिपोर्ट। ये मोहल्ले में जो टावर लगाया गया है, मोहल्ले वालों बिना जानकारी के लगाया गया है। इसकी परमिशन है सरकार से या गवर्नमेंट से, जिससे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूरे मोहल्ले ढड़के खोदी जा रही है और अनावश्यक अतिक्रमण किया जा रहा है रोड के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टावर का रेडिएशन होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या मोहल्ले के बीच में आप टावर लगा सकते हैं? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।